guest of the evening and afternoon is painter and photographer Rameshwar Bruta on the invitation of the Chandigarh Lalit Kala Academy. Rameshwar ji has been painting for more than 5 decades now, and as he says, he paints only when he has something to say. So over the last 5 decades, probably he would have painted 5 or 6 paintings or maximum 7 paintings in a year, and only when there is something that he needs to put out to the world. Starting from portraits in his college days to moving to people on the street, a comment on society and politics, a satire on our social system, moving on to the Ape series, which turned into a Metamorphosis and turned into the Man series. The trajectory of work is very wide and very sensitive, with a technique that he has developed over the years. Why he has also chosen to do photography along with painting is something that he will talk to us. And at the Chandigarh Lalit Kala Academy, we welcome Rameshwar ji to the academy and your presentation. So, आप त्रिवेणी कला संगम के हेड भी हैं बहुत सालों से और आपने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से आर्ट किया है, तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलेज या शायद उससे पहले आप बहुत क्लास में बैठ के, इकोनॉमिक्स क्लास में बैठ के भी ड्राइंग करते थे और कहते थे मैं कमरे में पढ़ रहा हूँ, बट इट वॉज ओनली ड्राइंग. तो ये ड्राइंग केम नेचुरली टू यू? आप हाँ, बहुत छोटा था तब मैं, शायद अभी 4-5 साल का ही होंगे, तो मेरे ब्रदर बहुत अच्छा ड्रॉ किया करते थे, पेंटिंग करते थे, दोनों ब्रदर्स. तो मैं देखा करता था कैसे वो किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो एकदम शक्ल मिला देते थे, या इमेजिनेशन से जो मर्जी सीन बना देते, कुछ भी करते, बड़ा हैरान होता था मैं. फिर ऐसे ही चांस था कि जैसे मैं स्कूल ज्वाइन किया, पहली क्लास में था, तो एक आध दिन के बाद ही मैंने देखा कि एक बच्चा उसी उम्र का उठा, और जब टीचर नहीं आया हुआ था, उसने चौक उठाया और इतनी छोटी सी उम्र में और ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करने लग गया, और बनाते बनाते उसने फेस बनाया, उसके मुकुट बनाया, सब कुछ बना के लगे वो कृष्ण की. अच्छा. हाँ, वो बना दी मैं, इतना छोटा सा. और मैंने कहा कि ऐसा भी होता है, ये बना सकता है. मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ, और मैं जब छुट्टी हुई और घर भागा, भर गया, और मेरे से मैंने कहा कैसे बनाऊंगा. तो मैंने ड्रॉ करना तो मुझे आता नहीं था, तो मैंने कटोरी ली, कटोरी लेके दीवार के ऊपर रख के उसके आसपास गोला किया, फिर उसकी आंख बनाई, फिर नाक बनाया, वो बनाया, मैंने मुकुट और बाल बनाए, मैंने कहा ये तो बन गया. तो स्टार्ट मेरा वहाँ से हुआ, यानी वहाँ से शो, पता नहीं उसके बाद फिर मैं जगह जगह पर वो भी बनाता चला गया. अच्छा. दीवारों के ऊपर, दीवार कृष्ण, हाँ कृष्ण का या फॉर्म. तो और उसके बाद बस फिर जैसे जैसे ग्रो किए, तो अपने ब्रदर्स को देखता था और खुद करना शुरू कर दिया, और ज़रा सी जब होश आ गई तो फिर मैंने और सीरियसली करना शुरू किया. तो वो शौक इतना बढ़ता चला गया कि बल्कि होमवर्क छोड़ के, और मैं माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से आँख चोरा बचा के, और मैं ड्राइंग और स्केचिंग करूँ, और या तस्वीरें बनाऊं कलर में, वाटर कलर में सब. अच्छा, ये भी ड्राइंग शुरू कर दिया? हाँ, शुरू कर दिया था. हाँ हाँ, जरा सा बड़े हो गए. फैमिली बैकग्राउंड नहीं था बूटा जी ऑफ आर्ट तो? हाँ, सिर्फ ब्रदर्स, पता नहीं कैसे उनके अंदर टैलेंट था कि बहुत अच्छा. मेरी मदर और फादर गाना बहुत अच्छा गाते थे, इतना मुझे पता है. तो क्रिएटिव थे, तो वो क्रिएटिव थे. उससे पहले का मुझे पता नहीं कि कोई और आर्टिस्ट रहा हो, लेकिन ब्रदर्स का नेचुरली इतना बढ़िया हाथ था, बल्कि वो आर्टिस्ट होना चाहिए था उनको, और मैं तो जबरदस्ती बन गया उसका, मुझे ऐसा लगा. तो वो आर्टिस्ट नहीं है? नहीं, वो नहीं, एक साइकोलॉजी करके, साइकोलॉजी के प्रोफेसर बने, साइकोलॉजिस्ट. अच्छा. हैं, दूसरे फिलोसफी में जा के उस लाइन में. Okay. चले गए, टीचिंग में प्रोफेसर बने. तो और मैं इधर इधर की तरफ चला आया, और तो बल्कि जब एग्ज़ाम्स के दिन भी आते थे, तभी भी मैं पेरेंट्स को कहता था देखो इतना शोर हो रहा है सब, है मैं अपने कमरे में जाके पेंट करूँ, पढ़ूँगा, और मेरा एग्ज़ाम है, और बस ये वो. तो दरवाज़ा बंद किया और अंदर जाके अपनी निकाली और स्केचबुक और अपनी ड्राइंग करनी शुरू कर दी. तो ये चोरी इस तरह की करते थे. तो उसके बाद भी कॉलेज लेवल पर पहुंचा, तभी भी पढ़ाई वढ़ाई में मन लगता ही नहीं था. वो इकोनॉमिक टीचर या कोई भी टीचर वहाँ वो पढ़ लेक्चर दे रहा, और हम बैक बेंच पर बैठ के उसके कार्टून बनाया करता था.
तो एनीवे तो जब फिर उसमें मेरे मार्क्स बहुत कम आए एकेडमिक्स में, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया. मैंने सोचा कि नहीं, बस मुझे भी अब बहुत मेहनत करके ही पढ़ना है. और मैंने ब्रदर्स से डिस्कस किया, तो ब्रदर्स कहते तो तुम्हारा इतना अच्छा तुम्हारा शौक है पेंटिंग का, ड्राइंग का, तुम पेंटिंग क्यों नहीं सीखते? मैंने कहाँ सीखा जाता, हमें पता भी नहीं था. कहते नहीं, पॉलीटेक्निक में आर्ट स्कूल, आर्ट की ट्रेनिंग होती है, सो वहाँ पर. तो मैंने कहा अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसकी भी एक ट्रेनिंग होती है. तो मैंने फॉर्म भरा, एडमिशन ली, और वो हो गया, एडमिशन हो गई मेरी दिल्ली कॉलेज, पहले पॉलीटेक्निक कहते थे आर्ट डिपार्टमेंट. और यहाँ तक कि जैसे पेंट्स और पेपर वगैरह लेके चले गए, तो स्टिल लाइफ करनी थी, उसका तो पता था स्टिल लाइफ होती. फिर उसके बाद एक कंपोजिशन का टेस्ट था. कंपोजिशन हम सोच रहे थे कि उस जमाने में, उस टाइम में कंपोजिशन का मतलब होता था एसे राइटिंग. अच्छा। हमारे जब टेंथ में था, ट्वेल्थ में था, तो वो लगता था ये तो कंपोजिशन का. हाँ तो, जी, ऑफ कोर्स, एसे राइटिंग. जी, हाँ. जी, जी. और हम तैयारी करके गए, खूब पढ़ते रहे, सारे खूब पढ़ाई की थी उससे पहले कि ऐसे आएगा कोई. और वहाँ जब देखा तो कंपोजिशन ऐसे वैसे तो नहीं है, तो ये इमेजिनेशन से पेंटिंग बनानी होगी. और हमने कभी इमेजिनेशन से उस तरह कुछ बनाई नहीं, सीनरीज वीनरीज बनाते थे, बट एनीवे आई गॉट थ्रू. मुझे याद नहीं लेकिन बना दिया होगा. फिर इंटरव्यू हुई तो ठीक पास हो गया उसमें. तो बस वहाँ से शुरुआत हो गई. लेकिन शौक मेरा बहुत शुरू से था आर्मी में जाने का, आर्मी या पुलिस में. अच्छा. तो बल्कि ट्वेल्थ के बाद मैंने एनडीए का भी एग्ज़ाम दिया था, नेशनल डिफेंस एकेडमी का. आई गॉट थ्रू द पेपर्स, पास हो गया, लेकिन इंटरव्यू में रह गया. बहुत ही पतला होता था एकदम मैं. तो कहीं ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, तो वहाँ तो सब बड़े ट्रेनिंग लेके आते थे. तो मुझे बड़ी डिजेक्शन हुई. मैंने कहा कि, और बहुत अफसोस हुआ कि मैं आर्मी में, और मैं रोया उसमें. तो वो बल्कि जब मैं कॉलेज ऑफ आर्ट में भी कर रहा था, तब तक भी एम्बिशन मेरी यही थी कि किसी तरह से मुझे आर्मी में. इतना शौक था, बहुत शौक था. यहाँ तक कि मैं इवन फोर्थ ईयर तक भी पहुँच गया, और तब भी मैं कहता था पुलिस या आर्मी में मुझे मिल जाए. और मैं तो रो पड़ा एक दफ़ा टीचर के सामने. जी. तो पुलिस में इसलिए था, पुलिस में भी ये था कि उसमें तो ये था कि कंट्री के लिए, देश के लिए अपना एक फीलिंग होती. और पुलिस में इसलिए था कि जितने भी सोशली आई कैन हेल्प पीपल, है ना, आई विल डू जस्टिस एंड ऑल दैट. लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि वो सब्जेक्ट्स नहीं थे मेरे पास कि आईएएस में, आईपीएस वगैरह में जाते. सो एनीवे देन आई थॉट, शुरू में तो ध्यान उधर जाता था, लेकिन मैं आर्ट में भी था इक्वली, तो उसमें काफ़ी मेहनत करता था. तकरीबन मुझे मैं टॉपर ही रहा, एंड तक रहा, स्कॉलरशिप मिल जाती थी. तो बस फिफ्थ ईयर तक आते आते फिर लगा कि नहीं, अब तो वो आर्ट में अब शौक पैदा बहुत हो गया था. आपको लगा शौक तो पहले भी था, लेकिन वो एज करियर नहीं मैं सोच पाता था. फिर मैंने सोचा कि अगर इतना ही सोशल रिफॉर्म का या इस तरह के मेरे आइडियाज हैं, सो आई कैन बी अ गुड टीचर, आई कैन पेंट वेल एंड इट विल बिलोंग टू द पब्लिक, है ना. तो वो फीलिंग से हुआ. एनीवे वो पीरियड बहुत स्ट्रगल का था. एक तो पॉवर्टी थी, घर में बिजनेस के लॉसेस हुए थे, तो और बाहर जब निकले तो कोई जॉब क्या करें. तो फिर तरह तरह के, एक दफ़ा हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया, फिर एक और आर्ट स्कूल में पार्ट टाइम टीचिंग की, तो फिर अपना स्टूडियो खोला कि किस तरह से कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे. काफ़ी स्ट्रगल हुआ. तो और उस फिर कॉलेज ऑफ आर्ट में भी एज विजिटिंग लेक्चरर, तो कभी उधर कभी उधर, तो इस तरह से गुजारा करते रहे. और घर में फिर पेंटिंग करना. फिर बाद में मुझे ये इस इंस्टीट्यूट में मुझे बुलाया उन्होंने, त्रिवेणी कला. हाँ हाँ जी. तो उन्होंने बुलाया तो देखा, और मैंने जब जगह देखी मैंने कहा वाह, ये तो है तो बहुत बढ़िया, इतनी खुली स्पेस है स्टूडियो की, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे और उसके बाद सवेरे दो घंटे की क्लास है, फिर सारा दिन आप काम करो और शाम को फिर क्लास होगी तो पढ़ा देंगे. तो बस उसे वहाँ से फिर वो शुरू हो गया. तो मुझे जब वो बड़ी स्पेस मिली, स्टूडेंट्स जब चले जाते थे तो फिर मैं अपना काम करता था. बल्कि मैं वहाँ गया तो स्टूडेंट्स को भी मैंने अलाउ किया कि आप दो घंटे के लिए क्यों, आप दिन भर रह सकते हो. अच्छा. तो दैट वे मिसेस श्रीधरानी जो डायरेक्टर थी, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया. तो वो सारा दिन काम चलता रहता था स्टूडियो में, और मैं अपना साथ साथ काम करता रहता था. तो इस तरह से वो मेरा करियर वहाँ से शुरू हो गया. जी, जी. लेकिन बात ये थी कि जैसे हम कॉलेज में जब तक रहते हैं तो टीचर्स की असिस्टेंस मिलती रहती है, टीचर्स से डिस्कशंस होती रहती है, काम
अच्छा है बुरा है या उसकी प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही, उनसे डिस्कशन से सब पता चलता है। बाहर आए तो आप अकेले, हाँ, तो बल्कि मुझे उन्होंने ऑफर भी किया था कि यू कैन स्टिल आफ्टर 5 ईयर्स का कोर्स करके भी यू कैन सिट इन एनी क्लास और वहाँ आके आप पेंट कर सकते हैं, एंड सो दैट अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो यंगर स्टूडेंट्स दे विल ऑल्सो फील। तो मैं फिर गया वहाँ पर कि चलो स्टूडियो फैसिलिटी, मैं तो कहीं भी काम कर सकता हूँ, लेकिन वो बात ही नहीं थी क्योंकि वो क्लास सब निकल गए और सब नए नए लोग और मैं उसमें लगा कि सिर्फ पेंट करना ही नहीं होता कि एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है तो, और सिर्फ ईजा ले लो पेंटिंग शुरू कर दो बात नहीं होती। एनीवे वो फिर मुझे सब्स्टिट्यूट में इंस्टीट्यूट में मिल गया वेयर आई स्टार्टेड। You started with portraits, आपने पोर्ट्रेट से शुरू किया कॉलेज में, बट उस कॉलेज के बाद कभी नहीं फॉलो किया, ऐसा क्या था? पोर्ट्रेट्स किए मैंने बाद में, थोड़े से कमर्शियल किए, 2-3-4 बहुत अच्छे कुछ मिल गए मुझे तो मैंने किया, लेकिन उसके बाद मैंने पोर्ट्रेट में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करता था, बहुत बड़े बड़े ब्रश से, छोटे से छोटा ब्रश है, पैलेट नाइफ से, और तरह तरह के टेक्सचर्स में काफ़ी काम किया, लेकिन मुझे लगा कि ये आके जैसे आगे आगे भी बताऊंगा तो कैसे इसमें भी जैसे कि एंड आ गया, सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि इसके बियॉन्ड तो कुछ कर नहीं सकते, वही फेस वही पर्सनालिटी वही कपड़े और सिर्फ फेसेस फ़र्क हैं लेकिन है तो वही स्किन और नोज़ एंड तो, और फिर मैं साथ साथ जब कंपोजिशन करूँ इमेजिनेटिव तो मेरे से हो ही नहीं, वो बार बार वही बने, या ऐसे कभी लगे कि ये तो जब मैं कुछ इमेजिनेशन से बनाता हूँ तो वो फिल्मी पोस्टर बन जाता है क्योंकि ह्यूमन फिगर उसमें कलर चेंज कर दो तो कुछ बात नहीं बनती, वो पोस्टर की तरह लगता, तो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। सो अल्टीमेटली मैंने पोर्ट्रेट करना ही छोड़ दिया, मैंने कहा बिल्कुल नहीं करूँगा मैं तो, ताकि इससे मेरा ब्रेक हो जाए जी। फिर एक्सपेरिमेंट्स करते रहे तो मेरा ख्याल है 3-4 साल मुझे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, एंड देन फाइनली आई रीच द स्टेज जहाँ के मुझे लगा कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, जब मैंने बड़ा कैनवस उठाया और स्टेज ड्रॉ किया ब्रश से ही और काम किया, तो वो फिर उस टाइम में जो सीरीज निकली वो लेबरर सीरीज थी जी, के, जो स्ट्रीट्स की, हाँ स्ट्रीट्स के जैसे के बैठे हुए लोग हैं, हड्डियाँ निकली हुई हैं, एज इफ दे व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, उस तरह के सब्जेक्ट थे, पॉवर्टी था, हाँ पॉवर्टी वगैरह, तो मैंने और उस वक्त बहुत बड़े काफ़ी बड़े कैनवस भी किए, तो बस वो चेंज मुझे बड़ा थ्रिलिंग लगा, और उसका रीज़न ये भी है कि मुझे जब काम करने को मिला वो स्पेस थी, जिस जगह पर मैं काम कर रहा वहाँ पर स्पेस है, एक है कि आप छोटे कमरे में काम कर रहे हैं, एक है कि आप खुल गए है ना, और त्रिवेणी का एनवायरनमेंट इतना बढ़िया था, सो देन देयर वाज नो लुकिंग बैक टू एनीथिंग। तो जो इंस्पिरेशन थी वो शुरू हुई स्ट्रीट्स से, पीपल, कॉमन पीपल, लेबरर्स, और उसके बाद आप एप सीरीज पे तो ह्यूमन से एप, वो आपने बहुत देर तक किया एप सीरीज, और उसमें भी आपने बहुत एक्सपेरिमेंटेशन किया, तो पहला सवाल तो ये है कि एक कांस्टेंट नीड रहती है आपको चेंज करने की, और जैसे आपने बोला कि कुछ बात खत्म हो गई तो आप उसको इवन इफ इट सक्सेसफुल आगे नहीं लेके जाना चाहते, तो इसके लिए एज एन आर्टिस्ट बहुत करेज चाहिए है आप, या करेज कह लें या कहें कि अंदर की इम्पल्शन है और आप जबरदस्ती कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, समझ ले तो, और उसमें डिफिकल्टीज तो आती हैं जब आप चेंज करते हैं तो, बहुत कैनवस खराब करने पड़ते हैं, रात को नींद नहीं आएगी, अच्छा ऐसे करें ऐसे करें, ड्राइंग करें, बहुत कुछ करते हैं और बात बनती नहीं है कि इसके बाद क्या करें, तो क्योंकि वो बार बार वही आएगा, जैसे लेबरर सीरीज की कर रहा था, लेबरर्स बनाए, अब वही बोन्स वही तो कितना तो, लेकिन उस टाइम में ये था कि शायद मैं जब फ्रेंड्स के साथ बैठता या कोई टीचर मिल जाते थे उनके साथ बैठा, डिस्कशंस होती थी, प्लस वो देखता था मैं कि हलवाई किस दुकान में बैठे हुए, चाय वाय की दुकान में बैठे हैं और लोग भी सब बैठे हुए और खा रहे हैं, तो पूरी की पूरी फैमिली बैठी है, ये भी लाओ वो भी लाओ, इतना इतना खाना सारा, शादियों में जाओ तब वो प्लेटें भर भर के खा रहे हैं, वो सारा कुछ देखना, और आई हैड गॉन थ्रू सो मच ऑफ स्ट्रगल, इन सब को भी देखा, क्लास स्ट्रगल लेबरर्स को अपनी भी लाइफ में मैंने देखी, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि इतना देर इज एनफ टू इवन थ्रो है ना, तो ऐसी ऐसी क्लास किसी भी शादी में चले जाओ, लाइनों में लगे हुए खाने की, उनको वो देखिए, वो अभी तक भी वो होता ही है, तो वो दिमाग में चलता रहता, आइडियाज तो रहते हैं ना, जैसे कि जब आप लिखने लगे तो कुछ ना कुछ
वो जो कुछ आप देखते हैं वो लिखना शुरू करेंगे पेंटिंग में, लेकिन वो सीरीज करके और अब आप चेंज करना चाहते हैं तो कैसे होगा? हाँ जी, तो बहुत कोशिश की कि कुछ होना चाहिए, कुछ डिफरेंट हम निकले, तो होता है कि फिर कैनवस पर स्ट्रगल आप करते हैं, वही बनाऊं और वही बोनी फिगर्स आए, फिर मैं मिटा दूं, फिर वही हो, फिर तो करते करते वो इतना कैनवस गंदा हो जाता है, जब गंदा हो गया फिर मैं बाहर गया चाय वाय पी के आया, फिर देखा, फिर से मैंने वो कपड़ा लिया टर्पेंटाइन से लिया और उसको मैंने सब साफ़ किया, जब साफ़ किया तो एकदम गोल सा जो बना मुझे उसमें एप की नज़र शक्ल नज़र आई। एक्सीडेंट था? एक्सीडेंट हाँ, तो जिस बात यह है कि वो एक्सीडेंट ज़रूर होता है बट द पर्सन इज ऑलवेज अवेयर टू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस। हाँ, तो जब नीड होती है वो चीज़ दिखाई भी दे जाती है जी। तो उस तरह का वो जैसे मैंने देखा कि एप की शक्ल मैंने वो फौरन वो बनाया, एप की इस तरह की शेप बनाई और उसको मोटा सा बना दिया और वो एक फिगर बन गई और उसके हाथ में मैंने फाइल लगा दी और अच्छा और इतना मोटा बनाया कि उसकी चेस्ट जो है ऐसे लगे कि जैसे कि फीमेल की तरह, तो मैंने उसके बल्कि ब्रा पहना दी उसको कि जिस्म उसका कपड़ों के बगैर लेकिन ब्रा पहने हुए नीचे पजामा पहना हुआ, उस तरह के तीन गोरिल्ले खड़े कर दिए, तो लगा ये तो पेंटिंग तो बन गई और बन गई इस तरह से कि वो जो सब्जेक्ट में जो मैं कहना चाहता था वो तो आ गया। सब कुछ कह दिया। हाँ, एक काइंड ऑफ सटायर एंड थ्रू एनिमल इंस्टिंक्ट है ना, तो बस वो जो पेंटिंग बन गई और लोगों ने देखा जिसने भी कोई आए तो उन्होंने कहा कह रहे बड़ा स्ट्रेंज है, बड़ी अजीब सी, तो एनीवे उससे फिर अवेयरनेस हो गई, उसके बाद एक के बाद एक सब्जेक्ट आना शुरू हो गया। इस तरह से कुछ सोफे पर बैठे हुए पॉलिटिशियंस हैं, ड्रिंक पड़ी हुई है, हाँ जी, हाँ जी, तो उस तरह की, या कभी टेबल पर बैठे हुए हैं और वहाँ मीटिंग चल रही है, कॉफ़ी के कप्स पड़े हुए हैं और फाइलें सब बंद हैं लेकिन डिस्कशन हो रहे हैं सारे, तो ये सारे सब्जेक्ट्स एप सीरीज में ये सेट आया था। उसमें इमरजेंसी भी आया था, उस इमरजेंसी के टाइम भी जो हाँ, उस तरह के भी कुछ पेंटिंग्स बने जी, उस जी। तो उन कैरिकेचर्स टाइप उसमें किसी किसी की रिजेम्बलेंस भी मिलती थी। हाँ जी, हाँ जी। तो पॉलिटिक्स पे भी एक कमेंट पॉलिटिक्स था, ब्यूरोक्रेसी थी, करप्शन थी, ये सारा। और ये देखिए ये हुआ वही कि आप ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, आपके मन में तो है लेकिन निकले कैसे? तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं रेडीमेड कहीं आपके पास पिक्चर पड़ी है आपका, वो अच्छा मैं ऐसी कुछ बना लेता हूँ, वो तो नहीं है जी। वो तो मिटाया और डिस्कवर हो गया और वो ये सीरीज फिर 10 साल तक चली। अच्छा, इतना 10 साल। तो एंड स्ट्रेंजली मेरी लाइफ में आर्टिस्ट के एक आर्टिस्ट की तरह कुछ नेचुरल सा रहा कि हर 10 साल के बाद मेरे चेंजेस आते थे। अब मुझे नहीं पता इसका क्या मकसद होगा, तकरीबन कुछ 3 decades तक तो 10-10 साल बाद, और मुझे पता नहीं होता था कि 10 साल हो गए कुछ। अच्छा, नहीं हाँ, तो जब ये हुआ अब मैं सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुका था और मुझे लोगों की लाइकिंग उसकी अप्रिसिएशन तो बहुत मिलती थी लेकिन बिकता कोई नहीं था। क्यों बिके कैसे? एक तो उस जमाने में वैसे नहीं आर्ट बिकती थी और अगर बिकती भी थी तो कौन अपने ड्राॅइंग रूम में या अपने घर में लगाएगा इतने ग्रोस फिगर्स, और सब्जेक्ट बड़े वो तीखे थे जी। तो बिकते नहीं थे। कभी अवार्ड एक आध मिल गया तो सेलिब्रेट कर लेते थे हम आपस में फ्रेंड्स मिलके, तो पार्टी वार्टी कर लेते थे। फिर जब ये हो गया इतना तो तब फिर वही मेरी थिंकिंग तो चलती रहती थी, तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि ये जो इशू है बड़ा लोकल इशू है, करप्शन, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस वाले है ना, पुलिस की भी काफ़ी सारे उसमें पेंटिंग्स ऐसी आई हैं, तो ये सारा बड़ा ही पर्सनल से एक्सपीरियंस है, सिर्फ बहुत लोकलाइज्ड जैसे कि इंडिया में ही हो रहा है। एंड आर्ट शुड बिलोंग टू एवरीबॉडी, इट हैज़ टू हैव सम यूनिवर्सल अपील। तो किसी भी देश में जाएं तो ये थोड़ी है कि हम अपने देश में क्या हो रहा है वो हम दिखा रहे हैं, हालांकि करप्शन तो हर जगह है ना, लेकिन वो यूनिवर्सल अपील की जो बात है, एस्थेटिक्स की भी बात है उसकी सच में। तो तुम मुझे लगा कि मैं जितने सब्जेक्ट्स बना लिए अब एग्जॉस्ट हो गया, एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुँच गया, और मैं फिर जब बनाओ तो गोरिल्ला बने, फिर जब बनाओ तो गोरिल्ला बने, तो मैंने कहा ये तो मैंने बनाना ही नहीं है, जब वो पिछली स्टेज की तरह से मैंने कहा कि ये नहीं बनाऊंगा, तो फिर से उसको मिटा दूं और फिर बनाऊं, फिर मैं चले जाऊं चाय वाय पी के आऊं, इस तरह से मेरा काफ़ी मेरे ख्याल महीने निकल गए। तो और मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मैंने ये बनाना ही नहीं। तो नेचुरली नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी सर्च तो शुरू है, आप कहीं ना कहीं से देख लेंगे। बिल्कुल।
तो एक दफ़ा ऐसे ही मैं क्लास में अपना अलग से क्लास ख़त्म हुए अपना काम कर रहा हूँ और महीने ऐसे बीते होंगे, मैं साल दो साल भी हो सकता बीते हों। तो ये आपको तंग करता है जब आप पेंट नहीं कर पाते? बिल्कुल, वही तो, वही सारा, वही रात को सो नहीं सकते आपके क्या बनाए हैं, और वो सेचुरेशन पर वो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो बन रहा है तो उसी को फिर से बनाते चले जाओ, वो नहीं करना। हाँ, कुछ नेचर में ही है ऐसा था। तो एक दिन मैंने ऐसे ही वो कैनवस लिया हुआ और बना रहा हूँ, सुबह से लगा हुआ और शाम तक वो मिटाए जा रहा हूँ, फिर बनाया, फिर टर्पेंटाइन से मिटाया और वही स्टेज जो पहले थी वही आ गई, एकदम गंदा कैनवस हो गया। अब फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने सोचा कि अब ये तो सफ़ेद कैनवस होता तो तब भी इंस्पिरेशन मिलती है कि अब नई पेंटिंग एक शुरू करें, ये गंदा कैनवस सारा। तो फिर जब मेरे से नहीं रहा गया, मेरे वहीं पर मेरे पास पेंट पड़ा था ग्रीन, ये जो आम लकड़ी पर करते हैं या किसी पर भी करते हैं आम पेंट जो होता है, वो मैंने लिया। मैं और पैसे होते नहीं थे कि आप प्लास्टिक मल्शन या कोई बढ़िया सा पेंट लगा के कर दें, अब उसी कैनवस को यूज़ करना है, तो मैंने वही ग्रीन लिया और वो लगा दें। मैंने कहा कि ये जब सूख जाएगा अगले दिन इसके ऊपर कुछ करेंगे, देखेंगे। तो वो कर दिया, तो अंदर पेशेंस तो थी नहीं, ज़रा ज़रा घूमने जाऊँ बाहर जाऊँ फिर से, और कैनवस के सामने बैठूँ तो ब्रशेज वहाँ पड़े सब, उसमें इतनी अर्ज होती थी उस टाइम में कि आप पेंटिंग के बगैर रह नहीं सक रहे, तो बड़ा परेशान हो गया। फिर वहाँ पर एक चक्कू पड़ा हुआ था, अच्छा मैं गीले पर मैं कर नहीं सकता था, गीले पर करो तो वो तो रंग सब मिक्स हो जाएंगे, उसमें चक्कू पड़ा हुआ था, मैंने लेके मैंने कहा इसको स्क्रैच करो, इसको दे के तो स्क्रैच करना शुरू कर दिया। करते करते ये किया, वो किया, उधर किया, इधर करते करते और कोई फेस दिखाई दिया, थोड़ा सा वो बना दिया, कुर्सी बना दी, और सब चाकू से हाँ चक्कू से इस कुरेद कुरेद के, और थोड़ी देर देखा मैंने कहा ये तो पेंटिंग तो बन गई, यानी उसमें वो सब्जेक्ट भी आ गया, उसमें स्पॉन्टेनिटी भी थी, और वो मेरे ख्याल ललित कला की कलेक्शन में यहाँ की एप वाली एक पेंटिंग है जो आपने इस टेक्निक से शुरू किया, दैट्स ऑल राइट। हाँ, वो मेरे ख्याल आपकी कलेक्शन में इधर, अच्छा म्यूजियम में, म्यूजियम में शायद, या ललित कला की सीरीज वाज स्टिल एप नहीं, तो उसमें थोड़ी सी एपिश फिगर थी, वो टेबल के ऊपर उल्टा शीर्षासन लगा के खड़ा हुआ है और कुर्सी पड़ी है, उसका कपड़ा उतार के पड़ा हुआ, छोटी सी फिगर, कैनवास बड़ा था तो एनीवे, लेकिन वो ह्यूमन फिगर से कुछ आ गए। बस बात ये, वो ह्यूमन फिगर का नहीं मतलब था, मतलब ये था कि ये टेक्निक बड़ा एक्साइटिंग लगा मैंने, दिस इज लाइक ड्राइंग, कि पेंट किया उसको स्क्रेप किया और कहीं ज़रूरत है तो कलर लगा दो, नहीं तो। तो फिर अगले दिन मैंने इंटेंशनली एक कैनवस लिया, उसको ब्लैक कर दिया कलर, अच्छा फिर मैंने सोचा कि ब्लैक क्यों करूं, करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना नीचे एक सिल्वर पहले लगाए ताकि वो स्क्रेप करें नहीं जाएगा, सिल्वर ही थोड़ा सा लगे, अच्छा, ओके, ओके, तो कैनवस के ऊपर मैंने सिल्वर पेंट किया, वो जब सूख गया तो अगले दिन मैंने उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग कर दी, और ब्लैक ब्लूइश ब्लैक करके, एंड जैसे वो सूखा नहीं, वो गीले पर ही करना पड़ता था शुरू में, जब गीला था तो गीले गीले पर ही करें, तो इसी तरह से करते करते एक फिगर बनी, एक आर्मी का जैसे का वो फेस और यहाँ तक, फिर उसके नीचे फिर एक और, फिर उसके नीचे ऐसे करके तीन लोगों की ऐसे इमेज बन गई, एंड और नंबर्स उसमें लिखे हुए, तो दैट वाज अ वेरी बहुत अच्छी सक्सेसफुल पेंटिंग बनी। तो उसे और इंस्पिरेशन बन के भाई वाह ये तो हाथ में आ गई बात, ये तो यानी वो जैसे कि वो फेज ही मेरा ख़त्म हो गया, एक नया ऑर्गेनिकली ही खत्म, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो बस वहाँ से फिर वो शुरू हो गए, फिर अगले दिन मैंने और कैनवास शुरू किया, तो मैं शीशे के सामने खुद ही खड़ा होके और अपने को देख के पेंट करता रहा, एक मैन सीरीज़ का सबसे पहला वो जो सेकंड पेंटिंग थी वो वैसे बन गई। तो यानी इस तरह से वो फिर मैन के सीरीज एप से थोड़ा सा एपिश था, फिर वो मैन की तरफ आते 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 वो ख़त्म हो गया, जैसे हम लोगों के साथ हुआ है, फ्रॉम एप टू मैन। यस यस, बिल्कुल ये वैसा ही, और जैसे मैं भी ये कहूँगा कि जैसे केव मैन की तरह स्क्रिप्ट स्क्रैच करते करते, पर उस टाइम कोई वो नहीं था आपके दिमाग में, देयर वाज नो मेथड टू द मैडनेस, नो ना ना कुछ भी नहीं था, जस्ट स्पॉन्टेनियस बिल्कुल ही आया। हाँ, तो मैंने वही कहा कि जब आदमी पिछली चीज से वो तंग आ जाए तो वो नहीं करना, जब डिसाइड कर ले तो कहीं ना कहीं से वो दिखाई देता, एवरीथिंग इज अवेलेबल अराउंड अस, सिर्फ ये है कि हम कॉन्शियस नहीं होते, हम अलर्ट नहीं होते और हम अपनी ही धुन में सोचते सोचते चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मिलते हैं, बस ये है। तो जब अर्ज होती है तो कुछ ना कुछ दिखाई दे जाता है। ऐसे जब मैं ब्लेड से, अच्छा ये था जबकि गीले गीले पर ही मुझे करना पड़ता था,
क्योंकि दो दिन के बाद कैनवस सूख जाता था तो वो चक्कू से होएगा ही नहीं. अच्छा हाँ जी, हाँ जी. तो फिर मुझे लगा कि और फिर दो दिन के अंदर अंदर आप इतनी बड़ी पेंटिंग बनानी पड़ती है, कैसे बनाएंगे, किसी किसी में डिटेल देनी और काम करना तो कैसे होगा. सो देन मैंने एक्सपेरिमेंट्स और किए, तो फिर वो लेयर्स मैंने के एक कलर सिल्वर लगाया, सिल्वर के ऊपर फिर जैसे येलो कलर रॉ सियाना लगाया, रॉ सियाना के ऊपर बर्न टम्बर इस तरह से करते करते ब्लैक की तरफ चला जाता था. okay. तो एक एक लेयर सूखते थे, एक एक लेयर लगाते थे, तो जब बिल्कुल फाइनली 8-10 दिन में वो सूख जाता था फिर मैं उसको स्क्रेप करता था. और अब तक पहुँचते पहुँचते अब समझ आ गई थी कि इवन ब्लेड, ये जो चक्कू है, ये नाइफ है, वो ब्लंट होता है. हाँ और वो फाइननेस कैसे आएगी. okay. तो फिर मैंने ब्लेड लेना शुरू कर दिया, नॉर्मल ब्लेड. हाँ, नॉर्मल ब्लेड से करना शुरू कर, उससे शार्प तीखी लाइन आती थी, शार्प लाइन आती थी. और वो ब्लेड भी लेकिन एक उसके चार कोने होते, फोर कॉर्नर्स को आपने यूज किया और थोड़ी देर के बाद वो ब्लंट हो गया, फेंको फिर दूसरा लो. और बड़े एक्सपेंसिव ब्लेड से. और मैंने सोचा, और फिर उसका जो कॉर्नर होता है वो भी इतना शार्प नहीं होता है जितना कि तोड़ने से मिलता है. फिर मैंने कोशिश की, मार्केट गया कि कोई ऐसा ब्लेड होता है, ये टूटता नहीं था, ये तो बिल्कुल स्टेनलेस स्टील का ब्लेड था. तो मैंने कोशिश किया, 5-7 तरह के मैं ब्लेड्स खरीद के लाया, पैकेट्स खरीदे, तो उसमें से एक जो था भारत ब्लेड, तो वो था जो टूटने वाला. जी जी. बस वहाँ से और बात बन गई. तो क्या हुआ, पहले उसके दो टुकड़े किए, फिर छोटा सा टुकड़ा किया, आपने किया ब्लंट हो गया, फिर एक टुकड़ा तोड़ दिया, फिर किया. सो वो तो बड़ी सॉल्व हो गई प्रॉब्लम. और सूखा कैनवस था, आप एक महीने तक भी आप स्क्रैच करते रह सकते थे और वो नीचे एचिंग की तरह से, ड्राइंग की तरह, इट वाज अ वेरी स्पॉन्टेनियस काइंड ऑफ ए ट्रीटमेंट एंड टेक्निक. अब तो कैसे ये सर्च चल जाती. अब फिर वो ब्लेड के तोड़ने का होता था, कभी कभी हाथ में चुभ जाए, तो फिर मैंने सोचा कोई ईजी तरीका होना चाहिए था. तो स्टूल के ऊपर जैसे कोई स्लिट है उसमें, तो उसमें से डाल के तोड़ा और कर दिया. फिर तोड़ा तो मैंने कहा कोई भी बैठेगा तो उसको तो कट लग जाएगा. देन आई वॉज इन सर्च ऑफ समथिंग कि किस तरह से ये कोई चीज़ मिले. तो वही बात है कि आप सर्च में हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है. तो मैं उन दिनों जामा मस्जिद जाया करता था पुरानी मैगजीन्स वगैरह खरीदने के लिए, कुछ या बुक्स पुरानी मिल जाएँ. तो वहाँ जब जा रहा था, वहाँ तो बहुत चीज़ें पड़ी थी. एक छोटी सी डिबिया किसी मेटल की. अच्छा. और उसके हर तरफ वो शीशे का छोटा छोटा ग्लास थे. okay. यानी जैसे कि बॉक्स ग्लास का हो, सिर्फ आसपास बॉर्डर स्टील का था. अच्छा. तो वो खुल जाती थी डिब्बिया, पता नहीं किस यूज के लिए आती हुई. उसको देखते ही मैंने कहा, उठाया मैंने कहा, अरे यार ये तो बात बन गई. okay. इसको तो आइडिया ये था, वो दो थे उसके पास, दोनों मैंने खरीद लिए और उसको घर में ला के उसको अच्छी तरह से टेप से बांध दिया और थोड़े से उसके कॉर्नर छोड़ दिए. उसके अंदर ब्लेड आप फंसा के तोड़ो और ब्लेड के टुकड़े उसमें जमा हो जाते थे. तो आपको कुछ होल्ड करने हाँ होल्ड करने के लिए लिया, तोड़ा और आप पेंट किया, फिर से आपने तोड़ा और फिर से पेंट किया, बड़ा इजी हो गया. एंड सेकंडली उसके टुकड़े नीचे नहीं गिरते थे कि सारे टुकड़े टुकड़े ब्लेड के. सो दिस इज हाउ आई शुड डिस्कवर दिस थिंग. एंड डिड यू कॉल दिस समथिंग, दिस टेक्निक? नहीं, कुछ नहीं, अभी तक वो बॉक्स मेरे पास चल रहा है, उसको उसी को यूज करता हूँ. ये तो बिल्कुल ही नया टेक्निक है. हाँ, एकदम नया शुरू हो गया. तो वो फिर ये मेरा ये वाली भी मैन सीरीज की भी कोई 10 साल तक सीरीज चली. थोड़ा मैन सीरीज के बारे में बताइए, बिकॉज कई बार वो इतना एब्स्ट्रैक्ट लगता है, कई बार वो बहुत रियलिस्टिक लगता है. इट्स फॉर पीपल लाइक अस हु डोंट. व्हाट वाज द फिलॉसफी ऑफ द मैन सीरीज? एंड आल्सो आप शाय अवे करते हैं ब्यूटी से, लगता है ब्यूटी ज्यादा नहीं. ब्यूटी या माय पेंटिंग्स कांट बी ब्यूटीफुल. सो थोड़ा बताइए मैन सीरीज के बारे, क्योंकि ये बार बार इमर्ज होता है आपके काम में. एंड व्हाई अ मैन एंड नॉट अ वुमन? वो जैसे मैंने ये अभी तो टेक्निक के बारे में बताया, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैं जब गोरिल्ला सीरीज कर रहा था, सेटायर से मैं निकलना चाहता था. इट शुड बी मोर यूनिवर्सल. तो जब वो अपने आप ही जब वो फिगर्स निकलनी शुरू हो गई, तो कनेक्शन जुड़ जाता आपके साथ, आपकी थिंकिंग, आपकी फिलोसफी के बारे में, कि दिस इज द जर्नी दैट वी आर हैविंग सिंस एजेस. के किस तरह से वो स्ट्रगल करते हुए, आजकल की हमारी लाइफ है, बचपन से ऊपर तक चलते चलते कितनी स्ट्रगल्स होती हैं, कितने आपके
बीमारियां भी आती हैं, इंजरीज भी होती हैं सारी, और फिर कभी जाके आपके अच्छे दिन आ जाते हैं तो थोड़ा ठीक हो जाता है। तो सारी ये स्ट्रगल्स हमेशा से इंसान करता ही आ रहा है। तो वो एक अंदर एक ये था, तो वो मेरे ख्याल फीलिंग आ रही थी कि अबाउट ह्यूमैनिटी दैट मैन हैज़ टू गो थ्रू सो मच। तो जनरली है कि वो मेहनत करता है, लेबरर भी है, वो फाइटर भी है, फाइट भी करना, तो उसने अर्न भी करना, ये सारी चीज़ें। तो सारी मेरी थिंकिंग जो पेंटिंग में आई वो यही थी कि इस करेक्टर ऑफ मैन, द ह्यूमन बीइंग, मैन मींस ह्यूमन बीइंग, हाँ जी। और वो ह्यूमन बीइंग को जब मैं ये चीज़ें सब दिखाता था कि बोनी स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर मुझे हमेशा अच्छा लगा कि इट्स नॉट या मसल्स हैं बोन्स, क्योंकि मैंने स्टडी भी की थी, प्लस ब्यूटी की सेंस जो मेरी है वो स्ट्रक्चर के ऊपर है ज़्यादा, नॉट कि स्मूथ और लिरिकल एंड ब्यूटीफुल, वो नहीं। तो लेकिन ब्यूटी की जगह फिर मुझे लगा ब्यूटीफुल नहीं होना चाहिए, लेकिन एस्थेटिक्स इज़ ए मस्ट इन पेंटिंग में, कि कोई भी देखे चाहे वो नेगेटिव सब्जेक्ट है लेकिन वो खड़ा होकर देखे उसको लगे कि इसमें कुछ है, तो वो फीलिंग उसमें आनी चाहिए। जो कि मैं सोचता हूँ कि क्योंकि मैं बिल्कुल एब्जॉर्ब होकर काम करता था और अभी भी करता हूँ, बिल्कुल खो जाता हूँ, तो वो नेचुरली उसमें आता ही है। अगर वो ठीक नहीं आएगा तो मैं रिजेक्ट कर दूँगा। सिलेक्शन और रिजेक्शन तो हर आर्टिस्ट को करना ही पड़ता है, कौन सी फॉर्म ठीक जा रही है आपके मुताबिक कहानी बनती जा रही है और कौन सी एंटी है, तो आप उसको नहीं एक्सेप्ट करते। तो इस तरह से सिलेक्शन रिजेक्शन से करते 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 एंड में आपकी एक पेंटिंग बन जाती है। और उसमें कभी मैं नहीं सोचता कि मैं बहुत कुछ थॉट लेके आया या सोच के मैंने किया कि ऐसा नहीं होता, नहीं हुआ। जबकि एप सीरीज में सब्जेक्ट सोच के करता था, लेकिन वहाँ पर भी जब सब्जेक्ट आते आते वो इलस्ट्रेशन से बन जाते थे, मैं सब्जेक्ट को भूल जाता था। सब्जेक्ट को मैं नहीं कहता था सोशल मैसेज मुझे देना ना सी, लेकिन पेंटिंग अच्छी बननी चाहिए। So, aesthetics come first? aesthetics comes first, then the subject. और मैन सीरीज में सब्जेक्ट नहीं भी हो तो वो अपने आप ही आता ही है उसमें। एब्स्ट्रैक्ट में भी तो फीलिंग आती है, यू कैन इंटरप्रेट इन डिफरेंट वेज, या डिफरेंट वेज। आई एग्री। एंड जनरली अगर दो क्रिटिक्स या दो आर्ट को समझने वाले हैं उनकी, या दस भी होंगे, उनकी सिमिलर ही इंटरप्रिटेशन होगी। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब लैंग्वेज उसकी है, सिर्फ ये है कि कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो ज़रा से भी ट्रेंड जिसकी आँख है या माइंड है तो वो तो समझ जाएगा। सो मैन सीरीज इस तरह से इट रिलेट्स टू द ह्यूमन कंटेंट, हाँ, एंड इट्स वेरी यूनिवर्सल, वेरी यूनिवर्सल, यस, बिकॉज़ इट्स अबाउट ह्यूमन काइंड, ह्यूमन काइंड, यस। तो बस बात वही रही, तो इसीलिए फीमेल ने बनाई कि मुझे पता नहीं मेरे से बनेगी कि नहीं बनेगी, वो कहीं ब्यूटी की तरफ नहीं चले जाऊं तो। और फिर मैंने खुद बीइंग ए मैन आई हैव गोन थ्रू सो मच ऑफ स्ट्रगल एंड सीन द वर्ल्ड, तो मे बी आई एम मोर क्लोज टू द मेल फिगर, तो उस तरह से। तो ऐसे ही जैसे मैंने कहा, तो जैसे एक एक पीरियड पहुंचा जब कि काफ़ी हो गया, मुझे लगा कि अब नाउ आर्ट शुड बी, आई शुड बी अवे फ्रॉम ऑल दिस, ये जो मैन और एप और ये ह्यूमन फॉर्म और फलाना, तो लेट मी डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग एल्स। अब मैं फिर से करूँ तो मैन कहाँ जाएगा, मैन तो फिर से मैन है, जैसे पहले गोरिल्ला नहीं जा रहा था, तो बार बार वही कुछ भी स्क्रैच करूँ तो फिर से वो ह्यूमन फॉर्म दिखाई दे जाए, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करो। तो कई बार फिर एक आध बार ऐसे हुआ कि मैंने उस फिगर को एक्सेप्ट किया, उसके साथ आर्किटेक्चरल फॉर्म्स और चीज़ें बनाई और कर करा के वो सिर्फ उस बड़े सीन का एक पार्ट रह गया। okay. अच्छा, और बाद में फिर एक आध के बाद मैंने उसको भी और हटाया कि उसकी इमेज और भी ख़त्म होती चले जाए, तो बिल्कुल एक एयरी सी फीलिंग रह गई, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर्स रह गए। वहाँ से फिर मेरी दूसरी सीरीज़ निकली। okay. अच्छा, और वो भी जो सीरीज़ निकली वो कोई इतनी इजीली नहीं निकली, मेरा ख्याल 2-2.5 साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, कैनवासेस मैंने स्पॉइल की, इतना। और उसमें मैं कहूँगा कि बड़ी पेशेंस भी थी, बिकॉज आई एम नॉट ए पर्सन हु विल एक्सेप्ट द थिंग दैट आई हैव ऑलरेडी रिजेक्टेड, जो जिससे मैं तंग आ चुका हूँ, जो मैं एक्सप्रेस करने को ही नहीं है तो मैं क्यों एक्सप्रेस किए चले जा रहा हूँ, किस लिए, एक्सप्रेशन ही नहीं है। तकलीफ होती है कुछ छोड़ते हुए? नहीं, तकलीफ नहीं, बस गया तो गया, खत्म। फिर वापस मैं नहीं सोच सकता, मुझे कितनी भी कोई टेम्पटेशन दे दे कि उस सीरीज की बना दो तो मैं नहीं बना सकता, नॉट इवन फॉर कमर्स एंड, सवाल ही नहीं उठता मेरे। ऐसा था, एक दफा मेरे बायर थे जो बाहर से आते थे, अमेरिकन हार्विट्स,
तो वो सारे इंडियन पेंटर्स की ही मास्टर्स की वो कलेक्ट किया करते थे पेंटिंग्स. उनकी सारी कलेक्शन बहुत ही रिच इंडियन आर्ट के. एवरी ईयर न्यू ईयर के डे फर्स्ट डे में वो यहाँ होता था. और यहाँ स्टूडियोज में सारे हिंदुस्तान के उसके उसको सब कुछ पता था कौन कौन आर्टिस्ट कहाँ है कैसा काम कर रहा है. सो उसने जब मेरा काम देखा तो उसने मेरा खरीदना शुरू किया था. उसके पास काफ़ी कलेक्शन थी. और जब मैन सीरीज मेरी ख़त्म हुई मैं कुछ और कर रहा था वो अगले साल आया देखा आई वॉज नॉट हैप्पी. वो कहते कि आपने छोड़ा क्यों मैन सीरीज जब इतना अच्छी बन रही थी तो आपने इसको कैसे छोड़ दिया करो इसको. उसने नहीं ली. फिर दूसरे साल फिर आया तो फिर से उससे डिस्कशन हुई. खूब हंसी मजाक हुआ सब हुआ लेकिन पेंटिंग नहीं खरीदी उसने. यू आर बेटर व्हेन यू आर पेंटिंग मेल फिगर व्हाट आर यू डूइंग नाउ. कोई बात नहीं. फिर तीसरे साल में जब आया तब तक मेरा कुछ वो निकल पड़ा था निकल चुका था आर्किटेक्चरल फॉर्म्स और उसमें सिंबल्स सिंबल्स वगैरह थे. उसके बीच में ही एक दो ऑब्जेक्ट्स भी थे शायद. हाँ और वो होते थे. हाँ लेकिन उस इसके बीच में ही एक पीरियड आया था जब कि बहुत बड़ा बेनियन ट्री बनाया था मैंने. बहुत बड़ी पेंटिंग. हाँ ट्री थी तो ट्री के कुछ वेरिएशंस दो तीन चार पेंटिंग्स बनाई होंगी. लेकिन फिर वो मुझे लगा कि वो बहुत ही लाइवली और बड़ा स्ट्रॉन्ग पेंटिंग थी. लेकिन मुझे लगा कि ये तो फिर जब वो एक आध अच्छी पेंटिंग बन गई स्ट्रॉन्ग बन गया बार बार ट्री आप कहाँ से बनाते रहेंगे और फिर आप लैंडस्केप की तरफ तो जा नहीं सकते. और मेरा वो अटेंडेंस ही नहीं लैंडस्केप की जी, करने की. आपने नेचर और हाँ जी हाँ तो वो नहीं किया. तो फिर वो स्ट्रगल तो चली रही थी. तो तीन एक साल की स्ट्रगल के बाद फिर वो बना के जैसे चट्टाने हैं और उसके ऊपर कुछ इंस्क्राइब किया हुआ या तो इंस्क्राइब करके कहीं लैंग्वेज जो कि लैंग्वेज पढ़ी नहीं जाए कुछ भी हो सकती है ह्यूमन बीइंग की. हाँ जी वो डिसाइफर नहीं होती. हाँ बिल्कुल. एज इफ ट्रेसेस ऑफ मैन वंस अपॉन अ टाइम मैन वाज देयर बट नाउ ही इज नॉट देयर बट हिज ट्रेसेस आर देयर. एज इफ हिस्ट्री की तरफ वो चला गया. आर्कियोलॉजी. हाँ हाँ बिल्कुल आर्किटेक्चर ये सब मिक्स हो गया. तो वो फीलिंग ह्यूमन बीइंग की रही लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं था. अच्छा तो उस तरह की फिर मेरी पेंटिंग्स काफ़ी हुई. मेरा ख्याल कई साल तक फिर मैंने वो किया. और बाद में वो राइटिंग ख़त्म होते होते फिर बहुत सिंप्लीफाई करके डॉट डॉट्स पर आ गया. तो वो भी जैसे कि रेन के ड्रॉप्स पड़ते पड़ते पुराने खंडहर कहीं मिले और वो टूटे हुए पत्थर हो उस तरह की फीलिंग हो या किसी ज़माने में किसी ने चिजल कर करके वो डिज़ाइन किया हो. तो अगेन हाँ बिल्कुल उसी तरह तो फीलिंग लेकिन वही थी. मैन ही चल रहा था अंदर. एब्स्ट्रैक्ट प्योर आप कह नहीं सकते उन पेंटिंग्स को. तो काफ़ी देर वो चलता रहा. तो अब उसका भी फिर अंत आ गया. तो कई साल हो गए तो उसको भी जब फिनिश हुआ. अब आप कुछ पूछें तो मैं बताऊं. इसके बीच में फोटोग्राफी भी शुरू हो गया. आपने अपना डार्क रूम सेट किया. ये क्या नीड था बिकॉज यू वर पेंटिंग वेरी वेरी सीरियसली. लेकिन व्हाई द अर्ज फॉर फोटोग्राफी. फोटोग्राफी मेरा ख्याल कुछ चीज़ें आपके साथ साथ चल सकती हैं. जैसे कि आप गायक भी अच्छे हो सकते हैं या राइटर और पेंटर भी हो सकते हैं. जैसे राम कुमार जी लिखते भी हैं और पेंटर भी हैं. तो फोटोग्राफी भी एक तो विजुअली है सारा. सिर्फ मीडियम फ़र्क है. ये पेंटिंग है और वो एक इमेज लाइट एंड शेड में आती है. और वो मैं बचपन से करता रहा था. पहले बॉक्स कैमराज होते थे सस्ते वाले उससे किया फिर और एडवांस लिए और एडवांस लिए. तो और वो भी मैंने अपने ब्रदर्स से ही सीखा था. वो बहुत शौकीन थे बड़ी अच्छी फोटोग्राफी करते थे. तो मैं फिर सीरियसली लेने शुरू कर दिया. तो बाद में मैंने अपना डार्क रूम वगैरह भी बनाया. काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करता है लेकिन मुझे स्ट्रेट फोटोग्राफी नहीं पसंद थी कि स्ट्रीट फोटोग्राफी या लैंडस्केप या ह्यूमन फेसेस. तो समथिंग इट हैज़ टू हैव सम स्ट्रेंथ. तो ब्यूटीफुल फोटोग्राफ से बात नहीं बनती. और आपने एक जगह कहा कि वो ट्रांसपेरेंट भी होनी चाहिए पेंटिंग और फोटोग्राफी दोनों. मतलब इट हैज टू हैव समथिंग टू टेल. टू टेल बिल्कुल बिल्कुल. अगर कुछ कहने को नहीं है तो ऐसे तो सिंपल इमेज तो दैट्स अगेन यू आर कैप्चरिंग ब्यूटी और सरफेसेस. तो उसमें तो फोटोग्राफी मैं करता रहा था बहुत सीरियसली कर रहा था लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था. मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करता था. दो नेगेटिव्स को रख के तीन नेगेटिव्स को रख के कभी दीवार के ऊपर प्रोजेक्ट करके और फिर कुछ और इमेजेस करके फिर फोटोग्राफ लेता. काफ़ी मैंने जो कि अब लेयर्स में कंप्यूटर में काम करते हैं वो मैं लेयर्स में पहले ही ट्रांसपेरेंट जैसे कि लिया
नीचे फोटोग्राफ रख दिया, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कुछ शीट रख दी, फिर उसके ऊपर ड्रॉ करके थोड़ा सा हिला दिया, फिर से उसका फोटोग्राफ लिया, फिर कुछ और किया, फिर फोटोग्राफ लिया, यानी फोटोग्राफ के ऊपर फोटोग्राफ, और इस तरह से काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करता था, लेकिन उसमें सक्सेसफुल था। लेकिन वो छोटे पोर्ट्रेट या कट एंड पेस्ट करके भी फिगर उसकी काट ली और उसके ऊपर चिपका दी, कुछ कुछ वहाँ से लिया, कुछ वो पेस्ट कट एंड पेस्ट करके फिर उसका फोटोग्राफ लो, तो एक सरल इफेक्टिव इमेजिनेटिव इफेक्ट उसमें था, लेयर्स में जैसे होता है। तो वो मैं जब करता था कि तो छोटा जब उसका टेस्ट प्रिंट रखते थे तो बहुत बढ़िया लगता था छोटा टेस्ट प्रिंट, फिर उसका जरा सा बड़ा कराया ठीक था, ज़रा सा अब आपने और काम करके बड़ा कराया तो उसके सारे एजेस दिखाई देते थे और वो लाइट पड़ती थी या चिपकाया हुआ तो उसकी शेडो पड़ती दिखाई देते थे, तो वो साफ लगता था कि ये आप ऐसे काम किया, लेकिन वो पता नहीं चलना चाहिए था ना। तो फिर मैं उसके एजेस को घिसता था सैंड पेपर से कर करा के फिर करता, बट बहुत स्ट्रगल किया उसमें मैंने, तो साथ साथ पेंटिंग भी कर रहा था, तो स्ट्रगल उसमें वही थी जो पेंटिंग की होती कि टेक्निक मास्टरी हो तब तो मैं कुछ कहूँ। उतने में फिर ये डिजिटल ये कंप्यूटर आया और आप फर्स्ट आर्टिस्ट थे अमंग यूजर्स, मेरा ख्याल है वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट मेरा ख्याल। अभी तो वो एग्जीबिशन एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन लगी थी, वहाँ कंप्यूटर आया तो पूछा, जानकारी हुई तो पता चला कि वो इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप फोटोग्राफ लो और उसमें डाल दो और उसका प्रिंट आउट ले लो और उसमें चेंजेस कर दो जो भी, तो प्रिंटर भी आपके पास है काम करने के लिए भी, तो और बड़ा एक एलिमेंट्री उस वक्त वो था, 2-2.5 लाख रुपया मैंने खर्चा किया उसके ऊपर और उस वक्त पैसा नहीं होता था। वसुंधरा वाइफ ने मुझे बड़ा इनक्रेज किया कि नहीं नहीं जब तुमने करना तो ये करो, तो मैंने फिर ट्यूशन लगाई, 2-3 महीने सीखा और तब मेरे ख्याल मेरी उम्र थी शायद 55 साल की या कितने 60 साल के करीब होगा, तो उस पर अच्छा काफ़ी कंप्यूटर बिल्कुल बिल्कुल मैं तो उसके ऊपर खूब सीखा मैंने अच्छा। और फिर काम करता था उसके ऊपर और फिर उधर से डिजिटल कैमरा आना शुरू हुआ तो डिजिटल का भी मुझे बड़ी फैसिनेशन हुई कि इधर से आपने लिया कंप्यूटर में उसकी फाइल डाली और आप प्रिंट आउट ले लो, वेट भी नहीं करना पड़ेगा, प्लस आप कंप्यूटर में उसके कलर्स चेंज कर दो, कुछ चेंज कर दो, इम्प्रूव कर दो जी। तो वो उस वक्त तो बड़ी क्रूड सी वो थी, कैमरा था 1.2 मेगापिक्सल का कैमरा था 1.2 और उसका तो इतने से फाइल होनी चाहिए एक्चुअली, हाँ तो उसको बड़ा करो तो वो हेजी हो जाए, बट एनीवे तब भी एक मज़ा था कि एक नई टेक्नोलॉजी नई चीज़ है। जैसे ही वो 2-1 साल हुए कि ज़रा सा बेटर कैमरा आ गया, मैंने वो ख़रीद लिया। ऐसे ही कंप्यूटर जो काम नहीं करता, कंप्यूटर भी उस वक्त अगर उससे A4 साइज़ का प्रिंट लेना चाहें तो नहीं ले सकते थे, वो 4 हिस्सों में आप करके पहला एक प्रिंट लिया, फिर 1/4 लिया, फिर तब वो जाके एक, ये उसकी स्पीड थी। और आजकल तो 200 MB की फाइल भी आप या 2 GB की फाइल इजीली हम कर देते, तो जैसे जैसे ये और ये काफ़ी फास्ट टेक्नोलॉजी बढ़ती इम्प्रूवमेंट हुई, तो पता नहीं मैंने कितने कंप्यूटर्स खरीदे एक के बाद या खरीदे या कहें, पहले तो उसको अपग्रेड कराता था, फिर अपग्रेड कराने के बाद फिर वो नया कोई आ गया तो वो ले लिया, इस तरह से कैमरे मैंने कितने ही लिए, क्योंकि जो भी बेटर आता था लगता था कि हाँ ये तो करते करते अब फिर वो मैं शिफ्ट हो गया इस पर मैक मैक में हुआ। तो अब तो शौक जो आपने कहा वो जैसे पेंटिंग में शौक है उसके टेक्निक में शौक है इस तरह से इसमें था, लेकिन जब मेरे हाथ में बात आई कंप्यूटर में जब करना शुरू किया तो कंप्यूटर में ये था और इस टेक्निकल एबिलिटी जो इसमें है वो एक्यूरेसी की बड़ी बात है, वहाँ जो मुझे एक्यूरेसी नहीं मिलती थी डार्क रूम में आप कुछ काम कर रहे हो बिल्कुल, ये इसमें एक एक चीज़ आप जो चाहे कर लें, सॉफ्टवेयर्स में वही चीज़ें जो आप डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट करते थे वही इसमें लेयर्स में काम करें किसी में करें, सो कहने का मतलब कि ये नाउ ये परफेक्ट कंट्रोल में था, तो नाउ तो उधर से अगर ऑयल पेंट आपके कंट्रोल में इधर से ये तो क्यों नहीं आप परफेक्ट है ना। बट व्हाट वर द सब्जेक्ट्स ऑफ योर फोटोग्राफी मैंने शुरू में तो एक्सपेरिमेंट्स भी किए मैंने अपने ही, जैसे कि कैटल और कैटल के साथ फिंगर उसमें डाली, फिर या कभी 2 फिंगर्स का ही कभी क्लोजअप्स लेता था, तो करते करते लैंडस्केप भी थोड़े से उसमें आया, लेकिन जनरली लेना नेचर से ही है, मैं उस तरह से नहीं करता जिसको आप डिजिटल
कहेंगे डिजिटल फॉर्म के आपने कंप्यूटर में इधर से लेके उधर से लेके वो चिपका दिए पेस्ट कर दिए, वो नहीं, वो नहीं। मेरे अपने ही फोटोग्राफ्स लूँगा या उस वो ज़रूर हो सकता है कि अपनी ही कंप्यूटर की एक फिगर मैंने दूसरे में लगा दी, उतनी लिबर्टी लेता हूँ सिर्फ जितनी डार्क रूम में ट्रेडिशनली लिया करते हैं, तो मैंने ताकि वो प्योर फोटोग्राफी की फॉर्म रहे, नहीं तो अदरवाइज वो कोलाज की तरह से आप कुछ भी कर लो और वो सभी लोग करते हैं वो सभी की तरह का हो जाएगा। तो इसलिए वो प्योरिटी को रखते हुए मैंने ये किया जिसमें ह्यूमन फिगर्स भी आई, सटार भी आया, तो इस तरह से है। जब पेंटिंग करते हैं तो फोटोग्राफी नहीं करते या जब फोटोग्राफी करते हैं तो पेंटिंग नहीं करते? मैं एट ए टाइम एक ही चीज़ किया करता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ तो मेरे साल दो साल के लिए जैसे कि बिल्कुल ही उसका छूट जाता, कैमरा छूट जाता है, फोटोग्राफी में लगता हूँ तो वो पेंटिंग मेरी छूट जाती है, पता नहीं वो पूरी अटेंशन मज़ा आता है उसमें तो दूसरी तरफ जाता ही नहीं दिमाग। और आजकल मैं थोड़ा रेजिन में काम कर रहा हूँ, स्कल्पचर टाइप थोड़ा सा, अच्छा। उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर अब उसमें मुझे इतनी पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं तो मेरी अब फोटोग्राफी भी छूटी हुई है और पेंटिंग फिर छूट गई, अब मैं इसमें लगा हुआ हूँ, मैं एट ए टाइम ऐसा नहीं। हाँ, तो क्या कर रहे हैं आजकल स्कल्पचर में, कुछ थोड़ा बताइए नया सीरीज? स्कल्पचर बस सिर्फ मैं ये बता सकता हूँ कि बहुत लोग काम कर रहे होंगे लेकिन मैंने उसका एस्पेक्ट लिया कि उसकी ट्रांसपेरेंस बहुत ट्रांसपेरेंट चीज़ है, एकदम ग्लास की तरह से। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का आप ये लेते हैं तो मैं बाहर से भी मंगवाता हूँ कई बार, तो वो एक करें उसके ऊपर आपने कुछ काम किया, फिर आपने लिया कि फिर कुछ काम किया, तो करते करते जो इफेक्ट्स आते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। यस जो पेंटिंग का नया सीरीज एक बहुत इंटरेस्टिंग था, सीरीज नहीं है शायद आपने मुझे बताया, कुछ वर्क्स थे ऑन द कॉमर्स मार्केट्स। उसका टाइटल टाइटल था उसका न्यू अराइवल्स, तो उस तरह का वो पेंटिंग है जो कि देखने में तो अच्छी भी लगती है ऐसे बात नहीं, लेकिन साथ में मजाक सा भी आजकल, हाँ आजकल अट्रैक्ट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे शो विंडोज में भी आप एक न्यूड मैन खड़ा कर दो बेशक थोड़ा सा उसको ढक के और बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ हो और ड्रेसेज भी हों और लोग मतलब वो दुकान की तरफ अटैक तो होंगे। सो कॉमर्स में तो एनी थिंग एंड एवरी थिंग इज पॉसिबल, एंड यही नहीं है बल्कि इन्वेंटिव माइंड इन्वेंटिव है लोगों का, कैसे करें कि कुछ नया आए, जो अब किसी को अच्छा नहीं लगता वो अलग बात है, अच्छा लगे नहीं लगे तो सारा ही आप देखिए, एड्स देखिए, आप फिल्म देखिए, इट्स अ गुड साइन कि ह्यूमन माइंड इतना ग्रो कर रहा है। वैसे ये जरूर लगता है कि बहुत मटीरियलिज्म की तरफ जा रहा है, बट सो व्हाट। इस टीचिंग अच्छा, हाउ डज इट मेक डज इट कंप्लीट ग्रो एज अ पर्सन पेंटर? सच पूछे तो कई बार मैं सोचता हूँ कि इतने साल हो गए, मतलब 50 साल हो गए टीच करते करते, कभी कभी वो लगता है कि रिटायर हो रहे हैं और मैं अब अपने स्टूडियो में बस अलग काम कर रहा हूँ, तो मुझे मैं डरता हूँ जाते हुए कि क्योंकि मैं सोशलाइज कर नहीं सकता, लोगों से मिलता नहीं, इंट्रोवर्ट हूँ एकदम, मुझे तो कोई बुला लेता तो मेरी मुसीबत आ जाती कि आज जाना पड़ेगा, चाहे वो पार्टी है चाहे ओपनिंग है, चाहे मेरी बड़ी मुसीबत है, एक तो ट्रैफिक वगैरह इतना अब दिल्ली में यू डोंट फील लाइक गोइंग आउट, प्लस क्राउड भी अब इस तरह का है कि डिफिकल्ट टू एडजस्ट इट, इस तरह के क्राउड में तो वो काम में मज़ा इतना आता है, बाहर जाने में तो मज़ा ही नहीं आता, तो मुझे बहुत रिजेंटमेंट होती कहीं जाने में, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि अब मैं अपना स्टूडियो में काम करूँ ताकि मुझे ना कोई फ़ोन आए ना कोई मुझे मिलने आए ना, बस डर सिर्फ एक लगता है कि मुझे आदत पड़ी हुई है इन इतने स्टूडेंट्स में सब तो मैच्योर आर्टिस्ट की तरह से हैं, वो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ और वो भी नहीं छोड़ते, हम भी नहीं छोड़ रहे, तो उस एनवायरनमेंट में जब काम करता हूँ तो बात यह कि टीचिंग इतनी नहीं करनी पड़ती जितने की एक प्रेजेंस लोगों, बिना बात किए लोग अगर वहाँ हैं तो मैं अपना काम कर सकता हूँ, लोग नहीं होंगे मैं मुझे कहीं डिप्रेशन ना हो जाए, मेरा इतना बढ़िया स्टूडियो है अलग मेरे अपने घर का बहुत बड़ा वसंत विहार में, डर लगता है कि 10 बार सोचता हूँ, वैसे तो मेरे स्टूडेंट्स भी नहीं छोड़ने वाले ना ही हमारे मिस्टेक त्रिवेणी वाले वो ही नहीं जाने देते, लेकिन मैं कभी भी सोचता हूँ कि मुझे अब जाना चाहिए बस, इतनी उम्र हो गई, लेकिन
लेकिन सच्ची बात है कि सीखने को तो मिलता है, सीखने की ये बात है, उनका काम तो ऑफकोर्स जब वो करते हैं देखते हैं आपके ऊपर भी असर होता है, क्रिएटिव काम चल रहा है आपको और पढ़ाने में मज़ा आता है कि उन्हीं की पेंटिंग के मुताबिक उनको गाइड करना, मेरी अपनी अकल बढ़ती है साथ में, है ना, ऐसे को मैंने कोई रटी हुई चीज़ें नहीं उनको बतानी है, तो बताओ वो कि उनकी थिंकिंग के मुताबिक आप थिंक करके और आप बताओ कैसे इम्प्रूव करना। तो ये सारा सर इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ लोगों के साथ, मेरे फ्रेंड्स हैं आपको स्टूडेंट्स के ना फ्रेंड्स हैं सारे, 50 साल बीत गए और सच्ची बात यह है कि जैसे कि छुट्टी का दिन जो होता है और या संडे को है, मैं नीचे जाके काम करना बहुत मुश्किल से जाके करता हूँ क्योंकि वो खाली, सारा मेरा डिपार्टमेंट खाली और मैं अकेले कमरे में, नो ह्यूमन बींग, ह्यूमन कॉन्टेक्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और एक्सट्रोवर्ट ना हो, मुझे कोई तंग नहीं करे लेकिन मैं काम करता हूँ, आस पास ह्यूमन बींग होना चाहिए, सेल्फिश। आप कुछ कहना चाहेंगे आज के लिए डिफरेंट फॉर्म्स? मे बी जैसे अगर हम कहते हैं इंस्टॉलेशन वगैरह है, वीडियो आर्ट है, ये उस तरह से तो बहुत अच्छी बात है कि किस तरह से ह्यूमन माइंड थिंक कर रहा है टेक्नोलॉजी और आर्ट को मिक्स। आजकल तो सभी सब्जेक्ट्स एक दूसरे में मर्ज करते चले जाते हैं, वो प्योरिटी तो नहीं है और इसी से ही आगे फिर पॉसिबिलिटीज दिखाई देती है। ये तो बड़ा अच्छा है कि साउंड भी है, स्कल्पचर भी है और ड्रामा सब कुछ ही, हाँ ड्रामा भी ठीक ठीक है तो वो तो ठीक है, एस 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 स्ट्रॉन्ग एस वो आपको कन्विंसिंग लगे। एक है कि आपने कलाज बना दी, ये भी ये भी ये भी और ड्रामा कर दिया, वो ड्रामा वाली बात अगर नहीं हो, क्योंकि इस तरह से जब आप सोचते हैं अपने इंस्टॉलेशन के बारे में और आप अगर आँख बंद करके देखें कि किसी का काम आपको ख्याल में आता तो बहुत थोड़े से काम होंगे जो आपको याद रखेंगे, या ग्रुप शो में आप जाएंगे, आप बाहर आए तो शायद आप ट्रांसफॉर्म फील करेंगे किसी एक को काम को देख के, अदरवाइज बाकी तो लगे कि ऐसे ही आपने किया हुआ। सो अनलेस एक आर्ट को सिर्फ देखने से वो ह्यूमन बींग को ट्रांसफॉर्म नहीं कर दे, उसके आइडियाज़ नहीं चेंज कर दे, उसको मुँह से ना निकले वाह, तो वो आर्ट किस बात की, गाना सुन रहे हैं और उसका सिर ना हिले तो और सोच रहा हूँ गाना गा रहा है तो यार सब काम ही नहीं। और इसी तरह से ये जो मैकेनिकल एटीट्यूड ऐसा एटीट्यूड हो गया कि आप सोचते हैं कि आर्टिस्ट जो है वो थिंकर है, ही इज़ द डायरेक्टर, अब वो अपने हाथ से क्यों बनाए, चलिए कोई बात नहीं, फिल्मों में भी डायरेक्टर्स हैं, कंसीव कोई करता है, लिखता कुछ है, पैसा कोई लगाता है, ये सारा करते हैं, लेकिन बट अबाउट द क्रेडिट्स दे गिव टू एवरीबडी, डायरेक्टर से लेके एक पियोन से लेके चाय पिलाने वाले से भी कि जो केटर करता है वो उनको सारे आते हैं। हमारे पेंटर्स में कराया आपने सबसे 10 लोगों को एम्प्लॉय कर लिया, चीज़ें बाहर से खरीदी, उसको असेंबल किया और उन लोगों ने आपके लिए असेंबल कर दिया, डिज़ाइन भी कंप्यूटर नहीं करना आता, कंप्यूटर में उनको करना नहीं आएगा, कंप्यूटर के एक्सपर्ट बुला लिया कि वो सब कुछ आपके आइडियाज़ के मुताबिक करे, आप करवा लीजिए ठीक है, देन यू शुड से दैट यस कंसीव्ड बाय यू डायरेक्टेड बाय सो एंड सो एंड एग्जीक्यूटिव बाई दिस पर्सन, कारपेंटर का नाम ये सारों के नाम उसमें आने चाहिए, बैक साइड पर आप लिखिए, है ना, लेकिन नाम आर्टिस्ट का जाएगा, पैसा किसी की जेब में जाएगा, शो ऑनेस्टी टू मी, है ना, क्रेडिट में तो नहीं जा रहा हूँ, तो मजदूरों की तरफ तनखा देंगे, और आपका नाम कैसे हो सकता है, आप कहिए कि यस कंसीव बाई सॉन्ग, मैं अगर आज एक फिल्म बनाऊँगा बनाता हूँ वीडियो फिल्म बनाता हूँ, कंसीव मैंने किया, एक्टर्स मैंने लिए सब और इक्विपमेंट मैंने दिया, उसमें लिखूंगा कंसीव बाई मी डायरेक्टेड बाई मी, बट एक्टर्स के नाम उसमें आएंगे, इक्विपमेंट कहाँ से लिया, क्या क्या ये सारा कुछ आना चाहिए, क्रेडिट से नहीं आप लेंगे क्या, कोलैबोरेशन तो वो मुझे वो लगता है, लेकिन कुछ भी फॉर्म ऑफ आर्ट है इस एक्सेप्टेबल एंड समटाइम इस एस्ट्रोनॉमी उसको देख के लगता है कि वो ऐसा भी हो सकता है, बड़े बड़े आप काम देखते हैं, स्कल्पचर्स देखते हैं तो मज़ा आ जाता है, तो वो तो हम कर ही नहीं सकते, पर टेक्नोलॉजी जिस कंट्री में है या जहाँ पर इंडस्ट्रीज काफ़ी हैं इस तरह से और उन्होंने उन आर्टिस्ट ने कितना काम किया होगा तब तक वहाँ तक पहुँचे, लेकिन जो ऐसे में कोलेबोरेशन में काम करके लिया कोलेबोरेशन पहुँचे, लेकिन कंसीव्ड बाय यू डायरेक्टेड बाय यू बट नॉट एव सारा नहीं है कि आप ही कहेगा। थैंक यू, थैंक यू।